डियरनेस अलावेंस को लेके मंत्रिमंडल ने किया है। इसके तहत मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डियरनेस अलावेंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डियरनेस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में पहली जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। पहली जनवरी 24 से 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉइज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका व्यय लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। इसके अलावा एक और लाभ जो इससे जुड़ा हुआ है, अब ये कुल मिला के 50% हो गया, 46 से बढ़कर 4% जोड़ के 50% हो गया। इसके कारण अब जो हाउस रेंट अलावेंस हमारे कर्मचारियों को मिलता है उसकी मूल वेतन का जो हाउस रेंट अलावेंस है वो भी 27, 18 और 9% से बढ़ के 30, 20 और 10% दिया जाएगा। यानी हाउस रेंट अलावेंस में भी वृद्धि की गई है और इसी के साथ साथ कई और बेनिफिट्स हैं, जैसे ग्रेच्युटी की सीमा अब 20 लाख से बढ़ के 25 लाख कर दी गई है। अलग अलग जो बेनिफिट्स हमारे कर्मचारियों को मिलते थे उसमें भी बेनिफिट को बढ़ाकर 25% अब बढ़त, बाकी सब भी जो बेनिफिट्स हमारे कर्मचारियों को मिलते थे उन सब बेनिफिट्स में भी 25% की वृद्धि कर दी गई है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसका जो कुल फायदा हमारे कर्मचारियों को होगा इसका भार लगभग 15,000 करोड़ रुपए जनवरी 2024 से लेके फरवरी 2025 तक, यानी 15,000 करोड़ का सीधा लाभ हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। इसके अलावा अलाउंसेस में जो वृद्धि की गई है इससे 9,400 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। तो कुल मिला के दोनों लगभग 24,400 करोड़ हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को इस महत्वपूर्ण निर्णय के कारण मिलेगा। मैं समझता हूँ देश भर में सभी सरकारी पेंशनर्स और कर्मचारियों को इसका एक बहुत बढ़िया लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में लिया। और एक आखिरी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया गोवा राज्य के संबंध में। गोवा में अभी तक जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं